हे गाइस, माय नेम इज मोहित प्रजापति। वेलकम बैक टू माय चैनल बैंकिंग डायरेक्शंस। सो दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को हिट कर दीजिए। तो जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट को ही बता दिया था कि मैं आपको 10 डेज का प्रैक्टिस शेड्यूल प्रोवाइड कर दूंगा आरआरबी क्लर्क प्री के लिए। तो ये आरआरबी क्लर्क प्री के 10 डेज शेड्यूल रहने वाला है। आपको 10 डेज किस तरीके से प्रैक्टिस करनी चाहिए और क्या रहेगा 10 डेज का आपका। तो अगर परफेक्ट तरीके से प्रैक्टिस करोगे तभी ये एग्जाम प्रीस का निकल पाएगा। और ये एग्जाम बहुत इजी है, तो इस पे ऐसा हमने ये नहीं कि सब कुछ छोड़ के इस पर ही फोकस करना है। बिल्कुल ही कम्प्लीटली इस पे फोकस करोगे आप तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। तो ध्यान से वीडियो को देखना और सारी चीजें समझना। बहुत थोड़ा सा टाइम हमने इसको देना और अच्छे वे में एग्जाम को देकर आना और अच्छे से क्लियर कर लेना है। दैट्स इट। बट एक स्मार्ट तरीके से अप्रोच लगानी होगी हमें और एक स्मार्ट वे में प्रैक्टिस करनी होगी, बस यही करना होगा। तो देखो, बात करते हैं इसकी कि आपको 10 डेज के लिए क्या क्या करना है। और अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन करा है तो कर लीजिए, @bankingdirection सर्च करना, एस ऑल लगा लेना इसके आगे, तब आपको चैनल मिल जाएगा। तो ज्वाइन कर लेना, अपडेट में वहां पर देता रहता हूँ इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट। तो देखो, आरआरबी क्लर्क प्री होने वाला है 14 अगस्त को। बहुत सारे बच्चों का प्री है 14 अगस्त को, मेरा भी 14 अगस्त को है। तो आरआरबी क्लर्क, सबसे पहले मैं बात करूं एग्जाम लेवल, सबसे बैंकिंग का जो सबसे इजी एग्जाम होता है ना, वो ये होता है आरआरबी क्लर्क, सबसे ज्यादा इजी प्री का, प्री भी और मेंस भी बहुत इजी लेवल रहता है। बहुत इजी ऐसा मत समझ लेना, बहुत इजी कह रहा हूं तो इजी नहीं रहता है, बहुत ही इजी रहता है। लाइक ऐसे क्वेश्चंस, मतलब सिंप्लीफिकेशन के भी क्या ही क्वेश्चन पूछते हैं, प्लस भी करवा लेते हैं कभी कभी, 3 नंबर दे देते हैं और 3 नंबर को प्लस करवा लेते हैं बहुत आसान आसान से। तो इजी रहता है, डरने की जरूरत नहीं है। अब देखो, मेन चीज मेरा यहां पर समझाने का एक और मतलब है आपको कि आप ये चीज समझो कि कंप्लीटली ये मत करना कि आप आरआरबी क्लर्क पर ही फोकस करे पड़े हो। अभी तक आपने आरआरबी पीओ दिया होगा, सारे बच्चों ने दिया होगा, आई नो, एसबीआई क्लर्क दिया होगा सारे बच्चों ने। अब देखो, जिनके ये दो एग्जाम, जिन्होंने ये दो एग्जाम फेस कर लिए, उनको आरआरबी क्लर्क में फिर क्या ही डर लगेगा। आरआरबी पीओ अपने अगर अपने अच्छे अटेम्प्ट किए हैं, वेल एंड गुड। एसबीआई क्लर्क आपका अच्छा गया, वेल एंड गुड। तब जब आपके दो एग्जाम अच्छे लेवल के हो चुके हैं तो आपको इतना फोकस करने की और इसकी इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अगर आपको कॉन्फिडेंस है कि ये दोनों क्लियर हो जाएंगे तब। तो ऐसा मत करना सिर्फ इस पे फोकस, इसको करना है बट ऐसा नहीं कि इतना कर लेना है कि अपने मेंस की तैयारी छोड़ दो, मेंस को कम टाइम देने लग जाओ। ऐसा मत करना कि आरआरबी पीओ मेंस और एसबीआई क्लर्क मेंस के लिए आप कम टाइम देने लग जाओ इसकी प्री की तैयारी के लिए, तो बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। जिन बच्चों का ये अच्छा नहीं हुआ है, आरआरबी पीओ अच्छा नहीं हुआ है, कम अटेम्प्ट पे बहुत लगता है नहीं होगा, या एसबीआई क्लर्क अच्छा नहीं हुआ है, तो वो बच्चे हैं उनके लिए बेटर अपॉर्चुनिटी है, अच्छे से टाइम दें। बात को ध्यान से समझना, जिन बच्चों का क्लियर, जिन बच्चों को लगता है कि हमारा क्लियर नहीं होगा, लाइक उन्होंने कंपैरिजन कर लिया होगा, उन्हें अपनी एक्यूरेसी पता होगी, अटेम्प्ट भी पता होंगे, सब कुछ पता होगा, प्रीवियस ईयर मेरिट, प्रीवियस ईयर कट ऑफ भी पता होगी, तो ऐसे बच्चों को क्या करना है, ऑब्वियसली उनके लिए आरआरबी क्लर्क एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आईपीएस क्लर्क आने वाला है वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तो उनको बिल्कुल परफेक्ट तरीके से तैयारी तो करनी होगी, टाइम ज्यादा देना होगा इनकेस अदर बच्चों के कंपेरिजन में। तो देखो, आपको क्या करना है, आपको ऑब्वियसली पता है दो सब्जेक्ट आने वाले हैं प्री के अंदर, दैट्स इट, क्वांट एंड रीजनिंग। और आरआरबी पीओ आप दे चुके हो, ठीक है, आरआरबी पीओ में आप प्रैक्टिस कर चुके हो, अब क्वांट आएगा, रीजनिंग आएगा, लेवल बहुत इजी रहेगा। तो मेन मकसद क्या है इन दोनों सब्जेक्ट के, हमने बनानी क्या होती है, यहां पर हमें चाहिए होती है स्पीड। स्पीड मतलब ऐसी स्पीड नहीं जो हमने पीओ के अंदर चाहिए होती है या क्लर्क के अंदर चाहिए होती है, लाइक एसबीआई क्लर्क, आईपीएस क्लर्क, नहीं, हमें चाहिए अमेजिंग स्पीड। अमेजिंग स्पीड मतलब सटीक सॉल्विंग, एक बार में अगर आप क्वेश्चन पकड़ रहे हो ना सिंप्लीफिकेशन का, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप उसकी प्लस में फंस गए या मल्टीप्लीकेशन में फंस गए या स्क्वायर में फंस गए, नहीं, सटीक सॉल्विंग, बस एक बार में पकड़ा और 15 सेकंड या 10 सेकंड के अंदर सॉल्विंग, दैट्स इट, ये चाहिए हमें, क्योंकि स्पीड लेके आनी होगी और एक्यूरेसी लेके आनी होगी और तभी एग्जाम में आप 70+ जा पाओगे। बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्टेट की जो कट ऑफ रहती है वो 70+ ही रहती है, आप प्रीवियस ईयर से कंपेरिजन कर लेना या कुछ भी कर लेना, देख लेना, यूपी की 73-74 जाती है आउट ऑफ 80, तो आप सोच सकते हो कितना आसान पेपर होता है और कितने लेवल तक बच्चे अटेम्प्ट कर देते हैं इसके अंदर, तो बहुत अटेम्प्ट कर देते हैं यार बच्चे, तो इसलिए स्पीड चाहिए एंड एक्यूरेसी चाहिए। स्पीड के साथ साथ आपको चाहिए एक्यूरेसी,
तो दोनों ही चीजों की हमें जरूरत होगी। और वो कैसे आएगी, वो आएगी प्रैक्टिस से, सिर्फ प्रैक्टिस, प्रैक्टिस ही चीज है। आपको कुछ नया नहीं करना है, और ऐसा नहीं करना है कि इसकी भाई बहुत प्रैक्टिस करनी है, नहीं। अब प्रैक्टिस का तरीका देखो क्या रहने वाला है आपका, क्वांट में आपको पता है क्या क्या चीजें आएंगी। देखो यहां पर आपको मेजर देखने को मिलेंगे, ये टॉपिक सिंप्लीफिकेशन, क्वाड्रेटिक, मिसलिनियस टॉपिक लाइक डीआई, आपको दो देखने को मिल जाएंगे आराम से। केसलेट भी आ सकती है, ऐसा मत सोचना कि केसलेट नहीं आएगी, तो केसलेट भी आ सकती है, बट ऐसी केसलेट आएगी कि बहुत ही इजी होगी, बहुत इजी लेवल की। जैसा कि एसबीआई क्लर्क में मैंने बताया था आपको, बहुत इजी लेवल की आई थी, मेरे एग्जाम में आई थी, बहुत इजी लेवल आई थी। और फिर आपको मिल जाएगा नंबर सीरीज और अर्थमेटिक। अब भाई जो बच्चे सोचते हैं ना अर्थमेटिक लीव करके चलते हैं, भूल जाओ भाई, अर्थमेटिक तो आपको क्वांट में देखो अटेम्प्ट करना होगा, तभी 70 प्लस जा पाओगे, वरना कुछ नहीं हो सकता। अर्थमेटिक के भी आपको लगभग 10-12 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे कन्फर्मली, और ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जो सिर्फ वन लाइनर होते हैं, वन लाइनर लाइक सिर्फ एक लाइन के क्वेश्चन होते हैं और बहुत आसानी से हो जाते हैं, कोई फॉर्मूला बेस्ड ऐसा नहीं होता, बहुत दो दो तीन तीन लाइने के अर्थमेटिक क्वेश्चन आपको पढ़ने पड़ते हैं, ऐसा नहीं है, सिर्फ वन लाइनर क्वेश्चन आते हैं। आप मॉक टेस्ट दे रहे हो तो आपको पता होगी ये चीज, आपने अभी तक देख ली होगी। रीजनिंग में आपको सबको पता है मिसलिनियस, तो मिसलिनियस के टॉपिक मुझे बताने की जरूरत नहीं है, मिसलिनियस में सारे टॉपिक आ जाते हैं, वन लाइनर भी आते हैं, थोड़े बहुत क्वेश्चन लाइक जो नंबर ऑफ पेयर्स निकालने होते हैं उनको अच्छे से प्रैक्टिस करो यार, वो गलत हो जाते हैं, मैं प्रैक्टिस नहीं करता हूं तो मेरे गलत हो जाते हैं। लाइक अभी मैंने जो आरआरबी पीयू दिया उसमें भी गलत है, शायद बच्चे बता रहे थे उसमें 3 पेयर आया, मैं 2 पेयर लगा के आया हूं, तो वो हो जाते हैं बिकॉज मैं प्रैक्टिस नहीं करता हूं, बट वो मैंने लगा दिया था लास्ट के 20-30 सेकंड बचे थे तो मैंने लगा दिया था, और मेरे 2 आए थे तो मैंने लगा दिया, गलत है कोई बात नहीं, उसमें कोई इतनी टेंशन मुझे लेनी नहीं है और ना ही मैं लेता हूँ। तो मिसलिनियस करो प्रैक्टिस बिल्कुल, एक एक क्वेश्चन इस टाइप के ना, एक एक क्वेश्चन जरूर लगाओ डेली। कैसे लगाने हैं आपको, एक एक क्वेश्चन जो वन लाइनर के आते हैं उनका एक एक क्वेश्चन पढ़ो, जैसे पेयर निकालने के लिए आता है, सीरीज में पेयर पूछ लेते हैं, अल्फाबेट में पेयर पूछ लेते हैं, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन सिर्फ एक एक पकड़ो डेली का, एक एक या दो दो, ये आपको करना है डेली, सही है। और फिर आपको पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट, ये इन चीज पे फोकस रखना है अपना। और मिसलिनियस में तो आप स्ट्रांग हो, आई नो, रीजनिंग में बच्चे अच्छा कर जाते हैं और अच्छा कर लेते हैं, पीओ में भी काफी बच्चे रीजनिंग में 39-36 अटेम्प्ट करके आए हैं और क्वांट में कम करके आए हैं, और ये स्ट्रेटेजी बहुत बढ़िया होती है पीओ के लिए। आप जिस सब्जेक्ट में स्ट्रांग हो वहां आप कर सकते हो अच्छा, बट यहाँ ये नहीं चलेगा, आरआरबी क्लर्क में बिल्कुल नहीं चलेगा। आप सोच रहे हो कि आप भाई रीजनिंग में अच्छा टाइम दे दोगे और रीजनिंग में 40 कर लोगे, क्वांट में कम कर दोगे, नहीं, आपको दोनों के अंदर अच्छा टाइम देना पड़ेगा और अच्छे से अटेम्प्ट करना पड़ेगा। तो आप अपना ये सेट कर लेना कि रीजनिंग आप कितनी देर में कर रहे हो मॉक टेस्ट के अंदर, मान लो आप रीजनिंग 15 मिनट में कर रहे हो, 15 मिनट में आप 35+ चले आ रहे हो, तो देन वेल एंड गुड, बहुत अच्छे कम टाइम में आप इतने अच्छे क्वेश्चन कर रहे हो, और क्वांट में आप फिर टाइम बचा लोगे ना, तो फिर क्वांट में अर्थमेटिक कर लोगे। तो बस यही स्ट्रेटेजी होने वाली है, टाइम आपको कहाँ सेव करना है, रीजनिंग के अंदर, तो रीजनिंग के अंदर बहुत टाइम सेव करना है आपको, लाइक 18 मिनट मैक्स रखना अपना, 18 मिनट के अंदर लाइक आप 36 प्लस चले जाओ क्वेश्चंस के अंदर, 36-37 अटेम्प्ट कर दो 80 मिनट्स के अंदर, फिर जो क्वांट के लिए जो बचा हुआ टाइम होगा वो दो आप, बिकॉज क्वांट के अंदर अगर आप ये सब कर लोगे ना तो आपको कहीं ना कहीं अर्थमेटिक में टाइम लगेगा करने में, एक एक क्वेश्चन फिर भी आपका अगर अच्छे लेवल पे हो आप तो 30-40 सेकंड लेगा, और अगर कुछ एवरेज लेवल पे हो तो वो 1 मिनट तो लेगा ही लेगा एक क्वेश्चन, तो यही चीज आपको करनी होगी। तो आपको देखो अब ये चीज मैंने बता दी कि आपको क्या क्या करना है डेली, किस तरीके से पेपर में आपको मिलेगा सब कुछ। अब आपके चीज आती है कि आपको टाइम कितना देना है, देखो बहुत ही आसान, बिल्कुल इतना टाइम नहीं देना है कि आप सारी चीजें छोड़ दो, मेंस लेवल छोड़ दो, नहीं, मेंस लेवल बिल्कुल नहीं छोड़ना, मेंस लेवल बहुत करीब है और वो पीओ के मेंस लेवल है, क्लर्क भी बहुत अच्छा एग्जाम है और आरआरबी पीओ भी, और दोनों ही इस आरआरबी क्लर्क से अच्छे एग्जाम है, तो आपको मेंस लेवल तो बिल्कुल नहीं छोड़ना है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, देखो एक सब्जेक्ट को आपको 20-25 मिनट्स रखें, तो हर सब्जेक्ट की आप क्या करो सिर्फ 30-35 मिनट प्रैक्टिस करो, दैट्स इट, इतनी एनफ है, क्योंकि आपने आरआरबी पीओ दिया है और आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस है, इसलिए आपको ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है। ये मत सोचो कि यार हम इतना टाइम नहीं देंगे तो क्या होगा, हम कुछ नहीं कर पाएंगे, नहीं, आपकी प्रैक्टिस है, अपनी प्रैक्टिस पर ऑलवेज बिलीव किया करो कि आपकी अच्छी प्रैक्टिस है और आप अच्छा अटेम्प्ट करके आए हो। इसी तरीके से क्वांट में भी इतना ही देना है, क्वांट में भी इतना ही देना है एंड रीजनिंग में भी इतना ही देना है, और रीजनिंग में भी इतना ही देना है आपको 30-35 मिनट। अब इन 30-35 मिनट के अंदर आपको क्या करना होता है, देखो आप कुछ नहीं करोगे, प्रैक्टिस कैसे करनी है, एक तो सबसे पहले क्वांट के अंदर अर्थमेटिक आपको डेली करना है, अर्थमेटिक के कितने क्वेश्चन,
10 क्वेश्चंस। और 10 क्वेश्चंस कैसे, 10 क्वेश्चंस सब टॉपिक्स के, लाइक एवरी टॉपिक। एवरी टॉपिक से मेरा मतलब है दोस्तों मिसलिनियस, मतलब आपको मिक्स करने हैं। 10 क्वेश्चंस आप ऐसे कंफ्यूज हो जाओगे एवरी टॉपिक, लाइक आप सोचोगे कि 10 10 क्वेश्चंस, नहीं 10 क्वेश्चन मिक्स, ऐसे समझ लो आप, मिक्स करने हैं। जो मान लो एक मॉक टेस्ट के अंदर आते हैं तो 10 क्वेश्चंस हर टॉपिक पे बेस्ड होते हैं, तो ऐसे मिक्स क्वेश्चन करने हैं आपको, ऐसा नहीं टॉपिक वाइज करने हैं। टॉपिक वाइज करने का टाइम नहीं है आपके पास, मिक्स करने का टाइम है। जो टॉपिक आपका वीक है ना उसको लीव करो, वो क्वेश्चन अटेम्प्ट ही मत करो बिल्कुल भी। आपको लगता है यार ये टॉपिक तो मेरा वीक है और इसका क्वेश्चन मुझसे नहीं हो पाता है हर बार एग्जाम के अंदर भी और मॉक टेस्ट के अंदर भी, तो लीव दैट टॉपिक, कोई जरूरत नहीं उसे करने की। बाकी जो आपसे टॉपिक आते हैं उन पर फोकस रखो, ठीक है। फिर आपको डीआई लेनी है, डीआई जरूर लगानी है। और डीआई देखो क्लर्क लेवल ही लगाना, ऐसा मत करना कि आप पीओ लेवल लगा रहे हो, आप सोच रहे हो भाई टफ लगाऊंगा तो बहुत अच्छा हो जाएगा, नहीं ऐसा मत करना, टाइम ज्यादा लगेगा फिर आपको और कुछ नहीं होगा, प्रैक्टिस करने में टाइम ज्यादा लगेगा। तो डीआई भी आप क्या करो, सिर्फ क्लर्क लेवल लगाओ और 4 to 5 DI का अपना रखो डेली का टारगेट, 4 to 5 DI का डेली। और फिर आपको नंबर सीरीज, जैसे कि मैं बताता हूँ नंबर सीरीज तो लगानी लगानी है, 10 to 20 तक नंबर सीरीज आप ले लो। देन आपके पास क्वाड्रेटिक आ जाता है, तो क्वाड्रेटिक भी आप 5 to 6 क्वेश्चन डेली लगाओ। एंड फिर आपके पास आ जाता है सिंप्लीफिकेशन, तो यार इस सिंप्लीफिकेशन पे बहुत फोकस रखना है आपको, बहुत जल्दी जल्दी सॉल्व करने हैं, तो 10 क्वेश्चंस आप सिंप्लीफिकेशन के डेली लगाओ। तो ये चीज आपको करनी है क्वांट के अंदर। अब देखो रीजनिंग के अंदर देखते हैं, रीजनिंग के अंदर देखो। एंड वन थिंग, जो ये मैंने टाइम बताया ना, आप सोच रहे होगे यार ये सब तो कैसे हो जाएगा 30 मिनट्स के अंदर या 35 मिनट्स के अंदर, आप देखो 40 मिनट्स भी दे रहे हो ना, मैं मानता हूं चलो 40 मिनट्स में हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, बिकॉज मैंने ये जो आपको बताया ना, ये आपको लेवल, किस लेवल के क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर रहे हो उस चीज पे मैटर करेगी टाइमिंग। अगर आप डीआई अच्छे लेवल की उठाते हो तो ऑब्वियसली आपको टाइम लगेगा, नंबर सीरीज टफ उठाते हो तो टाइम लगेगा, क्वाड्रेटिक ऐसी उठाते हो कि भाई जो आती नहीं है पेपर के अंदर, बहुत टफ टफ लेवल की उठा के कर रहे हो सॉल्विंग, तो उसमें टाइम लगेगा। सिंप्लीफिकेशन भी आप ऐसे उठा रहे हो जो बिल्कुल नहीं आएंगे एग्जाम के अंदर, बच्चों को पता है आरआरबी पीयू में भी कैसे सिंप्लीफिकेशन आए थे, बहुत इजी लेवल के सिंप्लीफिकेशन थे, तो ऐसे बिल्कुल क्वेश्चन नहीं उठाने हैं, हमने करनी है एग्जाम लेवल के क्वेश्चन की प्रैक्टिस, दैट्स इट। इसीलिए मैंने आपको एग्जैक्ट टाइमिंग बताई है कि 30 to 40 मिनट देना बहुत ज्यादा सही रहेगा। रीजनिंग में भी आपको यही करना है, देखो रीजनिंग में क्या करोगे आप, 7 to 8 पजल लगाओगे डेली। पजल कैसी, अगेन बहुत इजी वाली लेवल की पजल लगानी है आपको, इजी क्लर्क लेवल, सिर्फ क्लर्क लेवल उठानी है, कोई पीओ लेवल नहीं उठानी है, पजल पजल और सीटिंग अरेंजमेंट दोनों ही, दोनों मिला के 7 to 8 हो जाएगा। और फिर बाकी आपके जो मिसलिनियस क्वेश्चन है वो तो आपको देखो डेली करने हैं, डेली एक एक सेट, एक एक सेट लगा लो डेली, हर किसी क्वेश्चन का एक एक सेट लगाओ, चाहे वो अल्फा न्यूमेरिक हो, चाहे वो अल्फाबेट टेस्ट हो, चाहे वो आपका कोई सा भी क्वेश्चन हो, अल्फा न्यूमेरिक न्यूमेरिक सीरीज हो या नंबर टेस्ट हो, इन सभी को लेके चलना है आपको। ऐसा मत करना कि आप डेली, अगर आपके पास डेली टाइम है तो आप डेली ज्यादा टाइम देके सारे लगा रहे हो, नहीं ऐसा नहीं करना है हमें। देखो किसी दिन आप 2 टॉपिक उठाओ, किसी दिन एक दिन, जैसे आप कल से प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दोगे ना ये चीज, तो कल से आपको क्या करना है, एक दिन उठाओ ये दोनों, अल्फा अल्फाबेट टेस्ट और अल्फा न्यूमेरिक, सही है। फिर नेक्स्ट डे आप क्या उठाओगे, नंबर टेस्ट और न्यूमेरिक, फिर उससे नेक्स्ट डे क्या उठाओगे, फिर वापस इसी पे आ जाओ, अल्फाबेट टेस्ट और अल्फा न्यूमेरिक, फिर अगले दिन इस पे आ जाओ। तो इस तरीके से आप 5-5 दिन ये दोनों दोनों सीरीज के 2-2 सेट और 1-1 सेट लगा लोगे, तो आराम से आपका ये प्रैक्टिस में आ जाएंगे और आप पहले से प्रैक्टिस इनकी करते हुए आ रहे हो, लाइक बहुत टाइम से करते हुए आ रहे हो, तो आपको ऐसा नहीं है कि अब बहुत ही ज्यादा देना है इनको टाइम ज्यादा नहीं देना है, बस क्वेश्चन प्रैक्टिस में लगाने हैं अपने, आपको कंसिस्टेंट रखना है हर टॉपिक के लिए, ताकि आप वहां पर घबराओ नहीं और गलती नहीं करो। तो ये आपको करना है रीजनिंग के अंदर, और रीजनिंग के अंदर भी वही टाइम रहेगा 30 to 40 मिनट्स, बस इतना टाइम रहेगा। अब इसके बाद आते हैं मॉक टेस्ट के ऊपर। देखो मॉक टेस्ट, डेली मॉक टेस्ट क्या करना है, डेली एक मॉक टेस्ट लगाना है आपको, डेली एक मॉक तो लगाना ही है, कंपलसरी है एक मॉक। और प्रैक्टिस कैसे करनी है, देखो ये जो अभी तक मैंने आपको बताया ना, वो प्रैक्टिस करनी है आपको प्रीवियस मॉक से,
अभी मैंने बताया ना आपको एग्जाम लेवल, और एग्जाम लेवल कहाँ मिलेगा? मॉक में। तो मॉक से एग्जाम लेवल बिल्कुल मिलेगा आपको, चाहे आपके पास कोई सा भी मॉक टेस्ट हो, उसको ओपन करना है और उसको प्रैक्टिस करना है। जज मत करना कि बहुत टफ है कुछ है, ज्यादा टफ नहीं देते हैं मॉक टेस्ट में यार। मॉक टेस्ट वाले भी ऐसे नहीं है कि बिल्कुल ही टफ दे देते हैं, आसान ही देते हैं, वो भी इतना टफ नहीं देते हैं। तो आपके पास कोई भी मॉक टेस्ट हो उसको ओपन करके प्रीवियस मॉक से प्रैक्टिस करना। जैसे आप एक मॉक टेस्ट ओपन करोगे और उसके 40, उसमें मतलब आपको हर तरीके के क्वेश्चन मिल जाएंगे, डीआई आपको एक दो मिल जाएंगी तो कम बैठेंगी, तो दूसरा मॉक टेस्ट ओपन करो उसकी 2 डीआई और प्रैक्टिस कर लो, तो 4 डीआई हो गई नहीं हो गई आपकी। तो इस तरीके से प्रीवियस मॉक से प्रैक्टिस करनी है। और जब आप एक दिन एक मॉक टेस्ट लगा लोगे ना, मान लो कल है, कल आप लगा रहे हो एक मॉक टेस्ट, सही, फिर इसी मॉक टेस्ट को आपको परसों क्या करना है, इसी मॉक टेस्ट को सबसे पहले करो प्रैक्टिस, जिस तरीके से मैंने बताया 40-40 मिनट्स की और 30-40 मिनट्स की, देन उसके बाद लगाओ एक न्यू मॉक टेस्ट, बस। फिर नेक्स्ट डे आएगा, नेक्स्ट डे इस मॉक को प्रैक्टिस करो, फिर इस मॉक टेस्ट को प्रैक्टिस करने के बाद लगाओ न्यू मॉक टेस्ट। तो इस तरीके से आपको 10 डेज तक चलना है, 10 डेज 10 मॉक और 10 मॉक की ही प्रैक्टिस, तो ये रहने वाला है पूरा सिनेरियो आपका। तो 10 दिन तक जब आप ऐसे चलोगे ना, तो कितना टाइम देना है आपको, देखो 45 मिनट्स टाइम अगर कंप्लीट अगर अपना निकालो आप, तो 45 मिनट्स आपके हो जाएंगे मॉक के, सही है, मैं मान के चलता हूं 40 मिनट्स रीजनिंग को आप दे रहे हो और 40 मिनट्स ही दे रहे हो पॉइंट को आप। क्वांट में अगर अथमेटिक करोगे तो ज्यादा भी लग सकता है, कोई बात नहीं। तो 40, 40, 40, 120, 125, यानी ओवरऑल कितने टाइम प्रैक्टिस कर रहे हो आप प्री की, सिर्फ 2 आवर्स। तो बस 2 आवर्स अगर आप देके चल रहे हो ना अभी, तो बहुत ही बढ़िया है, आप आराम से कर जाओगे बिल्कुल। और मॉक टेस्ट को बिल्कुल एनालाइज करते हुए चलना है दोस्तों, इस मॉक टेस्ट जो भी आप लगाओगे ना, इसको एनालाइज बहुत अच्छे से करना है, ठीक है। एनालाइज करने से आपको क्या होगा, आपको पता चलेगा कि आप कहां पर अभी भी वीक हो, क्योंकि यहां पर यार हर टॉपिक में स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है आपको। आप सोच के चलो अगर 73 क्वेश्चंस करके आओगे वहां पे, तो लीव क्या करना है हमें, फिर कुछ नहीं लीव करना है। आप सोचो हर कुछ ही आना चाहिए आपसे, हर टॉपिक आना चाहिए, हर क्वेश्चन आना चाहिए, तभी हम 70+ जा सकते हैं। तो यहाँ पर यही चीज होती है, जिन बच्चों की अच्छी प्रैक्टिस होती है ना, वही 70+ जाते हैं आराम से, क्योंकि स्पीड उनकी अच्छी हो जाती है और एक्यूरेसी ऑलरेडी बन जाती है प्रैक्टिस करते करते। तो प्रैक्टिस पर भी फोकस रखना है और मॉक टेस्ट पे भी फोकस रखना है, दोनों चीजों पर फोकस रखना है, और इसी तरीके से 10 डेज तक चलना है। और ये कल से ही स्टार्ट कर देना आप, बिल्कुल परफेक्टली कल से स्टार्ट कर दो, 2-2 आवर्स इस तरीके से फोकस तरीके से देना। अगर मैंने ये 45 मिनट्स आपके मॉक के बताया ना, तो 45 मिनट्स में मॉक लगा के हटना है, ये मत करना कि मॉक लगाया और अभी पॉज कर दिया, फिर पॉज करके कुछ काम करने चले गए, फिर आके मॉक लगा रहे हैं। रीजनिंग में अगर 40 मिनट्स बताएं, तो वो मैंने ऐसे बताएं जहां पर आप फोकस तरीके से पढ़ रहे हो, ऐसा मत करना 40 मिनट्स तक आप रीजनिंग, मैंने 40 मिनट्स बताए थे और आप आके कह रहे हो कमेंट सेक्शन में कि 40 मिनट में रीजनिंग नहीं होती है, बट आपने उस 40 मिनट्स के अंदर अदर काम भी किए हैं और रीजनिंग की प्रैक्टिस भी की है, तो आप 2 पजल सॉल्व करके आप बोर हो गए, आपको लगा अरे यार मजा नहीं आ रहा पजल करने में, तो छोड़ देते हैं फोन चला लेते हैं, तो ऐसे नहीं होती है प्रैक्टिस, ऐसे मैं बताता ही नहीं हूँ। यही चीज होता है कि मैं एक्चुअल टाइमिंग इसी तरीके से बताता हूँ कि आप उसमें प्रैक्टिस ही कर रहे हो, आप कुछ अदर काम नहीं कर रहे हो। अगर अदर काम करके चलोगे तो ऑब्वियसली फिर आप अपने हिसाब से टाइम बढ़ा लो इसमें, 2-3 घंटे और बढ़ा लो या 2 घंटे, तो फिर वो आपका आप खुद को आपको एडजस्ट करने होंगे। कैसे करोगे आप, तो मैं इसी तरीके से बताता हूँ कि आप सिर्फ पढ़ाई वाला टाइम बताता हूँ मैं, इसीलिए इतना कम टाइम होता है और आपको ज्यादा लगता है क्या नहीं हो पाएगा, आपको ऐसा लगता है बिकॉज आप फोकस तरीके से नहीं कर पाते हो करते हो। तो ये चीज अपने अंदर इंप्रूवमेंट लेके आओ, ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी है। आप फोन वगैरह दूर रख दिया करो, या फोन से भी पढ़ रहे हो तो सारे नोटिफिकेशंस ऑफ कर दिया करो, जो इररिलेवेंट नोटिफिकेशंस होते हैं उनको ऑफ कर दिया करो। तो यही ओवरऑल स्ट्रेटेजी थी आरआरबी क्लर्क के लिए, कल से प्रैक्टिस स्टार्ट कर दो इस शेड्यूल को फॉलो करके, एंड बिल्कुल परफेक्टली आप आराम से क्लियर कर लोगे बहुत आसानी से, घबराना नहीं है बिल्कुल। आपने आरआरबी पीओ मींस आप आरआरबी पीओ प्रीलिम्स दिया है और उसके सामने ये एग्जाम कुछ नहीं है, आराम से बहुत आसानी से हो जाएगा, बट ये स्पीड बनानी पड़ेगी और स्पीड बनेगी प्रैक्टिस से, जिस तरीके से मैंने बताया। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, बिल्कुल वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और आपको अगर फायदा मिले तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बताना कि शेड्यूल से हमें फायदा मिला है। एंड में जब आपका पेपर हो तो आप बिल्कुल बताना कि
मेरे को पर्सनल भी मैसेज कर देना टेलीग्राम पर कि बिल्कुल आपको फायदा हुआ है, या कमेंट सेक्शन में भी बताना किसी भी वीडियो के कि आपको इस शेड्यूल से जरूर कुछ ना कुछ फायदा हुआ है। थैंक यू सो मच।